सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। नायब सैनी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इसके साथ साथ कई रिकॉर्ड टूटे हैं। लगातार तीसरी बार, पहली बार किसी पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई है। साथ ही साथ बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को ध्वस्त करते हुए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है और अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। बीजेपी की जीत की किसी को उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल के नतीजे भी बता रहे थे कि यहां बीजेपी की सरकार जाने वाली है, लेकिन तमाम जो अनुमान थे वो धराशायी हो गए और बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगा दी है और अब नायब सैनी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है।